नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद की सबसे बड़ी कार मार्केट में तिकोना पार्क। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो फरीदाबाद की है सबसे बड़ी मार्केट है तिकोना पार्क कार मार्केट है। और आपको बता दें यहाँ एक समस्या आ रही है, परेशान है दुकानदार भाई भी परेशान है बहुत। क्या है वो समस्या वो जानेंगे। अक्सर इस मार्केट में जाम लगा रहता है, लेकिन क्या समस्या है वो जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल भैया। साहिल भैया, क्या समस्या आ रही है, क्या परेशान है? ये सारे ठेकेदार हैं, यहाँ पे कम से कम 150 आदमी है, पब्लिक बहुत खड़ी रोडों पे, काम नहीं जानते वो लोग बिल्कुल भी। अच्छा। और कारीगर हमें हमारे से काम नहीं कराएंगे डायरेक्ट, आके वो खुद मालिक बन जाते हैं। अच्छा। मालिक बन जाएंगे, कहेंगे भाई साहब इतने में गाड़ी पकड़ी, हमें देंगे 1000-2000 रुपए और खुद खा जाते हैं। बहुत से ही काम कर रहे हैं आजकल। अच्छा, जैसे भी जैसे हम गाड़ी लेके आते हैं तो घेर लेते हैं गाड़ी पूरी, रोक लेते हैं कि जी क्या कराना है क्या कराना है, हम करा देते हैं, है ना। हाँ जी। और ये काम भी हो रहा है, जो काम नहीं जानते वो भी काम कर रहे हैं, जो कुछ भी नहीं जानते। और छोटे छोटे बच्चे भी हैं वहाँ पे, जाओ कितने आदमी खड़ा है, 150 आदमी खड़ा है कम से कम, जो कुछ नहीं जानते, पेश का चला नहीं जानते। जैसे बेलदार मजदूर होते हैं ना, वो सिस्टम कर रखा है यहाँ पे। मंदिर कोने में जाके देखो कितना हाल है। बिल्कुल। हाँ। और ये पूरा जाम भी लगा रहता है, कोई सिस्टम है। जाम छोटे बच्चे गाड़ी को पलटियां भी होती है खूब ज्यादा। दुकानदारों को क्या नुकसान हो रहा है? दुकानदारों को क्या नुकसान हो रहा है? दुकानदार डायरेक्ट जाते ही नहीं, कस्टमर डायरेक्ट जिनके पास बैठे पड़े उनके पास जाते ही नहीं, कोई पूछता भी नहीं उनको, डायरेक्ट ठेकेदार को मिल जाता है कमीशन के। हाँ। और उसमें फिर जो भी पैसे उनके बनते हैं तो उसमें उसे देना। बस बस बस, ये सिस्टम है सर, हम लोग ये परेशानी है। और रोड पे गाड़ी करे तो मालिक ने गाड़ी की जगह ही नहीं लगाने, कहाँ लगाएं गाड़ी, है ही नहीं जगह पहले तो गाड़ी है नहीं। और जो और दिन रहते हैं सोमवार और जो छुट्टी के संडे के, तो उनके सोमवार को पूरी मार्केट बंद होती है, आदमी आता है कम से 500। अब मान लो कोई नया ग्राहक आएगा, काम है 1000 का, 5000 मांगते सीधे, इतनी चोर बाजारी हो रही है। अच्छा। कभी आके देखना आप सोमवार को। और मेरठ साइड से गाँव मेरठ में भूखमारा गाँव है भाई साहब, इतने इतने बच्चे आ रहे हैं भाई, जो माँ बाप तो मौत ले रहे, सो रहे हैं, जुआ खेल रहे, बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं, इतना बुरा हाल चल रहा है। वो रहते कहाँ हैं? यही है, दिखा दो, भुतेरे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे। आप कभी आना, दिखाएंगे तुम्हें। और ये जो गाड़ियाँ जो खड़ी रहती हैं उल्टी सीधी खड़ी, गाड़ी ले आओ अपनी, खुद देख लो गाड़ी लगा कि 10 बंदे लग जाएंगे पीछे से, वहीं से पकड़ने लग जाएंगे गाड़ी को। हम करेंगे वो नहीं, किसी और को दे देंगे गाड़ी। अच्छा। मेरे जैसे पकड़ लेंगे भाई, मैं कारीगर आदमी हूं, मुझे दे देंगे कि भाई तू काम कर, तू अपने पैसे बता कितने पैसे लेगा, बस यही कर रहे सिस्टम। मेरे पास काम नहीं आएगा, मेरे घर भर ही नहीं रहा, मुझे दे दें 400-500 दे देंगे, कैसे पेट भर गया, तू जा तू भिखारी, ऐसे ऐसे करते हैं, तुम बेलदार हो, हम आर्किटेक्ट हैं, ये करते हैं सिस्टम, बस दलाली चल रही है, दलाली चल रही है फुल। तो यहाँ कोई ट्रैफिक व्रैफिक वाले कोई भी नहीं आते? कोई नहीं आता जी, कोई नहीं आता, छोटे बच्चे पकड़ने वाले भी नहीं आते, कहते नहीं आते, धंधा बना पड़ा है तो काम करने का। बाल श्रम वाले भी नहीं आते? नहीं नहीं, स्कूल भी नहीं देखा इन्होंने आज तक, इन पर अपना नाम भी लिखने नहीं आता किसी पे आज तक। हाँ, सिर्फ इन कस्टमर से बात करने की है बस, धंधा बना रखा कमाने का लोग बागों ने। तो क्या कहना चाह रहे हो प्रशासन से? डेंटर है या डेंटर है, वो मिस्त्री का काम भी पकड़ लेगा, सारे काम पकड़ लेगा, टायर का भी, उन्होंने चाहिए पैसा बस, माच था कस्टमर पीछे डोल कुछ भी डोल उन्होंने जेब में। आप समझ सकते हैं फरीदाबाद के, आप जब यहाँ इस मार्केट में आएंगे तो आपको 18 साल से नीचे के बच्चे काफी संख्या में नजर आएंगे, जो ना काम जानते हैं ना उनको किसी चीज की नॉलेज है, लेकिन बस उनका इतना काम रहता है कि गाड़ी पकड़ कर। और जो कारीगर है 10 आदमी बैठा पड़ा है समझो, तो दुकान वाले कुछ नहीं कहते तो? नहीं, कोई दिक्कत, धंधा हो रहा तो बढ़िया, पैसे मिल रहे हैं, उन्हें क्या दिक्कत है, कमाई हो रही है। हाँ, बैठा रखे, बिल्कुल बैठा रखे, बोल वही तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ, एक दुकान से 10 आदमी बैठा हुआ है। हाँ, पेटी लगा रखी, जो बात है हमको डरे, अपने दुकान के बाहर ही पेटी लगवा रहे, बिल्कुल किराया ले रहे हैं बड़ी करके फर्स्ट क्लास। तो क्या कहना चाहते हो आप, क्या कहना चाह रहे हो कि यहाँ क्या होना? डायरेक्ट कस्टमर जी, बताओ क्या हो गया। डायरेक्ट कस्टमर के पास आके डायरेक्ट, जिसके पास मैकेनिक है, डेंटर, उससे कहोगे तू डेंटर है मैकेनिक है तू क्या काम जानता है, डायरेक्ट उससे मिले आके, वो काम करे। कहने का मतलब ये मैकेनिक का डेंटर पकड़ ले, डेंटर का मैकेनिक पकड़ लेते, ये क्या मतलब है? डेंटर तो डेंटर काम करेगा ना, मैकेनिक थोड़ी काम कर दूंगा मैं, जब जानते नहीं मैकेनिक का मैं कैसे कर लूंगा। यहाँ एक काम हर इंसान कर रहा है, क्या मतलब है? फिर दूसरा बंदा भूखा मर जाएगा, वो काम कैसे कर पाएगा? गाड़ी वाले 20-20 लाख की गाड़ी दे जा रहे हैं 10-10 साल के बच्चे को, वो देखना रहा है इसकी दुकान है ना ठिया, बस ना काम सस्ते में। मैंने 5000 मांग ली, मैं दुकानदार, दूसरे ने 2000 मांग ली, तो 20 लाख की गाड़ी छोड़ जाएगा। फिर घर तो रोता डोलेगा गाड़ी वाला कि मेरी गाड़ी की माँ चोत दी। भैया जिसका ठिया ना दुकान तो ढूंढते रह जाओ,
बता रहा हूँ। तो आपके कहने का मतलब है कि जो दुकानदार हैं उनके पास मांग रहे हैं, और ये रोड वाले 2000 मांग रहे हैं, जिनकी दुकान भी ना वो 1000 रुपए में सफेद कर दे गाड़ी, बस सस्ते में गाड़ी वाले सस्ते में गाड़ी खराब करके जा, फिर रोते बाद में वो मिलते भी नहीं हो ना, मिले फिर भाग जाते हो, यूपी भाग जाते हो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं उनकी एक ही समस्या है कि यहाँ जो गाड़ियाँ आती हैं काम के लिए गाड़ियाँ आती हैं वो डायरेक्ट दुकानदारों के पास या जो कारीगर हैं उनके पास ना पहुँच कर वो किसी के थ्रू जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, नाबालिग बच्चे हैं जो बहुत सारे संख्या में यहाँ काम कर रहे हैं, वो उन गाड़ियों को पकड़ते हैं और इनके पास ले जाते हैं और अपना कमीशन लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। बाल श्रम विभाग भी जो है इस पर थोड़ी सी नज़र रखे, और यहाँ जो आने वाले कस्टमर हैं जो ग्राहक हैं जो गाड़ी लेकर आते हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो यहाँ दुकान पर जाएं वहाँ दुकान पर जो कारीगर हो उस कारीगर से काम कराएं ताकि उनकी गाड़ी जो सही बनी रहे और किसी भी ऐसे राहगीर को चलते हुए को गाड़ी ना पकड़ाएं और ना ही उसके थ्रू जाएं, वो सीधा टेंटर को लेके साथ में लेके आते हैं, गांव जाएंगे 20 को ले आएंगे साथ में, टेंटर है, बहुत गरीब देश है, कारीगर आदमी है कि हम जानते, चलो भाई टेंटिंग पेंटिंग काम से, अबे ये काम ही रहेगा, कोई काम ही नहीं है क्या? और जिसकी वजह से यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, गाड़ियों के ना तो लगने का कोई सिस्टम है ना वहाँ काम करने का कोई सही सिस्टम है। आदमी घर से ले आएंगे तो कौन आ पा रहा, चलो डेंटिंग काम करेंगे, अबे एक ही बंदा कर लो, सबको क्यों लेके आ रहा हो आप लोग, इतने तक क्यों ला रही हूँ, उठा उठा के यहाँ पे पूरा बिहारी बना दिए, यहाँ काम कराने वाले हैं वो सही आदमी पे भी नहीं पहुँच पाते। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, कारीगर पे भी नहीं पहुँच पाते। हाँ तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो बच्चे हैं वो भारी संख्या में हैं और इन कारीगरों का कहना है कि उन पर थोड़ी सी रोक लगाई जाए और प्रशासन को भी यहाँ ध्यान दिया जाए और जो यहाँ जो पार्किंग के सिस्टम है जो जाम लगता है उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए ताकि जो भी दुकानदार जहाँ भी काम करे और जो किसी ग्राहक की गाड़ी सही करे वो अपनी दुकान के वहाँ लगाए, रोड पर खड़ी करके गाड़ी काम ना करे ताकि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी बनी रहे और इस तरह से सिस्टम पूरा बना रहे जैसा कि इनका कहना है। और जो ऐसे लोग हैं जो यहाँ मतलब दलालगिरी चल रही है उस पर भी थोड़ी सी रोक लगे। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।